सिंध हुकूमत ने कोरंगी कॉजवे पर ब्रिज बनाने के लिए टेंडर दे दिया है। पुल की तामीर से तमाम मुल्हिका इलाकों के अवाम का देरीना मसला हल हो जाएगा। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से मजीद जानेंगे। खुर्शीद आलम बताएगा क्या तफसीलात हैं। अजय, बिल्कुल, बहुत मशहूर मुहावरा है, देर आयद दुरुस्त आयद। बिल्कुल, बात यह है कि अब हुकूमत सिंध को ख्याल आ गया कि कोरंगी कॉजवे पर भी एक पुल बन जाना चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कॉजवे पर, और ये है वो मलीर नदी जिसका बिफरा हुआ पानी का रेला हर साल बारिशों में इस कॉजवे से गुजरता है। 4 फुट 5 फुट 6-6 फुट पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लांडी, कोरंगी, मेहरान टाउन और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही सूरत हाल है कि जिसकी वजह से हुकूमत सिंध ने न सिर्फ इस बात का ख्याल किया कि कॉजवे पर एक पुल बनाया जाएगा, बल्कि उसके लिए अखबारात में इश्तहारात भी जारी कर दिए गए हैं टेंडर के लिए। अभी यह मालूम नहीं हो सका है कि वो टेंडर कितने का होगा, यानी उस पुल की तामीर पर कितने खर्चात लगेंगे, लेकिन लगता ऐसा कि साल डेढ़ साल और लगेगा, लेकिन यकीनन एक अच्छा पुल बन जाएगा तो लोगों को काफ़ी सहूलत पहुँचेगी। जी बिल्कुल, एक देरीना मसला है जो कि इस पुल की तामीर के बाद हल हो जाएगा। शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं।